ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन जिला में दीपावली के सीजन को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मास्टर प्लान तैयार किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर एलडी ठाकुर ने बताया कि त्योहार सीजन के चलते सोलन शहर में मिठाइयां बनाने वाली सभी दुकानों के लाइसेंस और मिठाई बनाने के तरीके के सैंपल चेक किए जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग सोलन के अधिकारी ठाकुर ने बताया कि जब भी लोग मिठाइयों की खरीदारी करें तो ज्यादा कलर वाली मिठाइयाँ को नज़रअंदाज करें ताकि उनके स्वास्थ्य पर इसका कोई असर ना हो। वहीं उन्होंने अपील की है कि अगर किसी भी तरह का कोई संदेश या संदेह लगता है तो मिठाई गलत है या खराब है तो इसके बारे में विभाग को सूचित करें और इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। सोलन जिला में दिवाली सीजन को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मास्टर प्लान तैयार किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर एलडी ठाकुर ने बताया कि त्योहारी सीजन के चलते सोलन शहर में मिठाई बनाने वाली सभी दुकानों के लाइसेंस और मिठाई बनाने के तरीके को सैंपल को चेक किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि प्लान तैयार करते हुए टीम गठित की गई जिसके तहत दिवाली के त्योहार आने तक मिठाई बनाने वाले सभी दुकानदारों के दुकानों के लाइसेंस चेक किए जाएंगे। वहीं उनके द्वारा बनाई जा रही मिठाइयों के सैंपल भी चेक किए जाएंगे। त्योहारी सीजन के चलते विभाग मुस्तैदी से कार्य कर रहा है ताकि बाजार में किसी तरह की भी मिठाई जो कि लोगों के स्वास्थ्य को बिगाड़े वो बाजार में ना आए। इसके लिए दिवाली तक हर दिन मिठाइयों के सैंपल चेक किए जाएंगे। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग सोलन के अधिकारी डॉक्टर एलडी ठाकुर ने बताया कि जब भी लोग मिठाइयों की खरीदारी करें तो ज्यादा कलर वाली मिठाइयां को नजरअंदाज करें ताकि उनके स्वास्थ्य पर कोई भी बुरा असर ना हो। वहीं उन्होंने अपील की है कि अगर किसी तरह का भी संदेह उन्हें लगता है कि मिठाई गलत है या खराब है तो विभाग को सूचित करें ताकि इस पर कार्रवाई की जा सके। त्योहारी सीजन को देखते हुए हमने दिवाली तक स्पेशल कैंपेन चलाई है जिसमें हर रोज इंस्पेक्शन और सैंपलिंग होगी। पहले फूड सेफ्टी अफसर नहीं था यहाँ, तो अब हमारे पास फूड सेफ्टी अफसर ज्वाइन कर गए हुए हैं। तो जो लीगल सैंपल पहले नहीं हो पा रहे थे, सिर्फ सर्विलांस सैंपल ले रहे थे, अब लीगल सैंपल हम ले रहे हैं त्योहारी सीजन से पहले पहले। और अगर कोई भी कंप्लेंट आती है तो उसको भी हम चेक करेंगे। नहीं, ऐसे स्पेसिफिक टीम नहीं है, उसमें मैं खुद और फूड सेफ्टी अफसर ही इंस्पेक्शन करेंगे, साथ में जो कोचिंग स्टाफ है वो भी रहेगा। नहीं, एज पर जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है उसमें सब स्टैंडर्ड कोई होगा तो उसमें 5 लाख तक का जुर्माना, अगर कोई अनसेफ आर्टिकल आता है तो उसमें 6 महीने तक की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, और बिना लाइसेंस के शॉप चलाने पर 5 लाख तक का जुर्माना और 6 महीने तक की कैद का प्रोविजन है। नहीं, जो भी सैंपल लेते हैं उससे पहले कोई ना कोई डाउट होना चाहिए। जो फूड सेफ्टी अफसर एक्ट करेगा उसको लगेगा कि ये चीज एडल्ट्रेटेड मेरे को दिख रही है या बाहर से कोई चीज आ रही है, उसका बिल नहीं है प्रॉपर, टेस्ट उसका अच्छा नहीं है, ज्यादा कलर्ड है, तो ये सब बातों को देखते मौके पर डिसाइड करते हैं कि किस चीज का सैंपल लेना है। आपको नहीं होगी, अपील यही रहेगी कि त्योहारी सीजन में जो भी लें वो सामने अपने उसको देख के लें, ज्यादा कलर वाली मिठाइयां ना खरीदे जिससे उनको कोई ऐसे लगता है कि मिठाई ठीक नहीं है, तो विभाग को सूचित करें, हम तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे।